हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि इंटेक्स बूफर में या फिर कोई भी जेब्रोनिक और भी आईबॉल इस टाइप के जितने भी बूफर आते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है, बहुत सारे बूफर अब आ रहे हैं जिसमें SMPS सर्किट लगा रहता है, तो उसका तो नहीं। अभी मैं ट्रांसफार्मर वाले जब सभी सर्किट के बारे में बताऊंगा। ट्रांसफार्मर वाले सर्किट में क्या होगा, अगर पावर नहीं आ रहा है तो दो प्रॉब्लम होगा, या तो तार खराब होगा या फिर ट्रांसफार्मर खराब होगा, और स्विच काफी रियरली खराब होता है। तो यानी ट्रांसफार्मर, स्विच और वायर। तो इसमें क्या है, वायर और स्विच सही है, इसका ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है। इसमें आपको दिखा दूं मैं कि जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो 7 लेग का है, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग से दो दो तार निकली होती है, या फिर प्राइमरी से दो निकलता ही है, लेकिन सेकेंडरी से तीन निकला होता है, लेकिन इसमें 3 ना निकल के 7 वायर निकले हुए हैं, जिसका कनेक्शन मैं आज आपको बताऊंगा कि इस तरह के वूफर में ट्रांसफार्मर दोबारा लगाए तो क्या क्या सावधानी बरतें और उसका कनेक्शन कैसे करें। तो देखिए, इसमें जहां पे सप्लाई गई हुई है ये दोनों वायर जो है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में हमेशा 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। जैसे ये सभी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होते हैं, मतलब ज्यादा वोल्ट को कम वोल्टेज में करना इनका काम होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये दोनों रेड वाला जो दो था, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें आपको 220 वोल्ट की सप्लाई देनी है, अर्थात जो तार आपका बाहर जाता है सप्लाई लेने के लिए, इनपुट करने के लिए, उसी में इसका कनेक्शन होगा स्विच से होके। बाकी के बच जा रहे हैं आपको ये 3, जिसमें ये 12 और ये 0 और ये 12 पर ये आउटपुट मिलेगा यहाँ, और ये जो 2 बच जा रहा है, ठीक है, ये वही 9 वोल्ट से 15 वोल्ट का जो डिमांड होता है वहां के लिए जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 12 के लिए पॉइंट हो गया जो यहाँ लगा हुआ है, और ये 9 से 15 वोल्ट के लिए हो गया जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कनेक्शन क्या करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। इसका कनेक्शन हटा देना है आपको, ये स्लीव लगा हुआ है, ठीक है, या तो आप इसको काट के हटा दीजिए या थोड़ा थोड़ा हीट करके आप इसको हटा सकते हैं। हीट करेंगे तो ये खुद से बाहर चलेगा आसानी से खींचने, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक वाइंडिंग हटानी है, दूसरा आपको यहाँ से, हो गया। अब ये वाला का कनेक्शन पूरा हट चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग को एक वायर आपको इसमें जोड़ देना है, डायरेक्ट जो बाहर जा रहा है यानी इनपुट वायर जो है उसमें डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, ठीक है। मैं चेक करके अभी दिखा दूंगा, उसके बाद आप अच्छे से सोल्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, एक वायर आपने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, और दूसरे वायर को स्विच से होकर देना है। तो ये हुआ आपका प्राइमरी साइड का जो है वायरिंग, आपका हो गया, कनेक्शन हो गया। अब देखिए, आपको 3 लेग साइड जिधर भी है, ये जो 3 लेग है, ठीक है, आपको यहां देना है। दोनों ग्रीन में से किसी ग्रीन को इधर या इधर आप कहीं दे सकते हैं, 2 ग्रीन है, दोनों किनारे पे ही देना है, ठीक है। कोई भी जो कलर सेम वायर सेम कलर हो उसको दोनों किनारे पे, और जो डिफरेंट कलर हो उसको बीच में देना है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं कनेक्शन, या फिर इस सर्किट के बिल्कुल पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पीछे ही करता हूं, अभी मैं ट्रांसफार्मर को कस नहीं रहा हूं, बस आपको टेस्ट करके दिखा दे रहा हूं। देखिए, मैंने 1 यहां कर दिया,
ठीक है, जो डिफरेंट कलर है उसको मिडिल में, और जो सेम कलर है उसको दोनों एंड पे। ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो अलग से है दो वायर, यानी इसमें कितना 9 से 15 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और सभी में एसी सप्लाई मिलती है, ठीक है। तो इसका कनेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे, तो आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट उसी के नीचे दे दीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे मन में। बस ध्यान देना है कि आपस में ये शॉर्ट ना हो। और एक बार जो टेस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप ट्रांसफार्मर टेस्ट कैसे करें। उतना तो आपको पता होगा, बस कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, ठीक है। देखिए मैं सप्लाई देके, ठीक है, आप देख पा रहे हैं सप्लाई आ चुकी है। तो बस आपको ट्रांसफार्मर का कनेक्शन ऐसे ही करना है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रांसफार्मर निकाल के इसको टेस्ट कैसे करना है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको पता होगा कि टेस्ट कैसे करना है, फिर भी आप अच्छे से आज समझ ले ताकि कोई भी ट्रांसफार्मर हो आपको टेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती हैं जल्दी ख़राब नहीं होती, मतलब मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग जल्दी बहुत कम ही देखा है। 100 में 95 केसेस में तो प्राइमरी वाइंडिंग ही जलती है, और प्राइमरी वाइंडिंग का जलने का कारण है कि उसमें हाई वोल्टेज यानी 220 वोल्टेज की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से उसका जलने का चांसेस बढ़ जाते हैं और अक्सर वही जलता है, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या क्या होता है कि वो जहाँ से कॉपर वायर से पीवीसी वाले वायर को कनेक्ट करके निकाला जाता है उसी ज्वाइंट से टूट जाने के चलते सेकेंडरी वाइंडिंग से खराबी आता है, अदरवाइज सेकेंडरी वाइंडिंग जो काफी रेयरली जलता है, ठीक है। अब देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और समय ले रहा हूं। जैसे देखिए, प्राइमरी के दोनों लेग पे अगर कंटिन्यूटी का लीड रखिएगा मीटर का, तो 100 के आसपास रीडिंग आना चाहिए, 120 ओम है जो कि सही है। अगर ये बिल्कुल कम बताए, मतलब 5, 10 या 0, तो समझिए कि ये शॉर्ट हो चुका है। और ये बिल्कुल नहीं बताए, मतलब जैसे इस तरह बताए, मैंने हटा दिया और आपको टच करने के बाद भी इसी तरह बताए, कोई रीडिंग ना है, तो समझिए कि कॉइल कहीं कट चुका है यानी ओपन हो चुका है, ठीक है। और बिल्कुल 0 के आसपास बताया, 0, 5, 10, तो समझिए कि ये शॉर्ट हो चुका है। तो ये हो गया, ठीक है। और बाकी देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, आपको सभी में कंटिन्यूटी आएगा और बहुत कम आएगा। जैसे देखिए, बीच वाले में आपने रखा तो यहाँ से आना चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। देखिए बहुत कम, 5-6 यहाँ पे भी उतना ही आएगा, ठीक है। दोनों पे 5-6 के आसपास आना चाहिए, इस पर नहीं आ रहा है, हो सकता है यहाँ से टूटा हो, लेकिन दोनों पे सेम आना चाहिए, ठीक है, सेम आना चाहिए। और दूसरा यहाँ देखिए, इस पे भी, इसमें दो लेग निकले, इसमें भी बिल्कुल सेम आना चाहिए, मतलब सेम का मतलब काफी कम। देखिए 20, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कम आएगा और प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक आएगा, लगभग 100 के आसपास, ठीक है। और इस दोनों में बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बीच वाले पे रखने के बाद मैं यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे जितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे जितना आएगा, ठीक है, उतना ही यहाँ पे भी आएगा। जैसे यहाँ पे इसमें आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसमें भी 6 आना चाहिए, इसमें 6 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी इससे कोई ना, ये वायर अंदर से टूट चुका है, इसीलिए इसमें कम आ रहा है, अदरवाइज दोनों में बिल्कुल सेम आना चाहिए, ठीक है। तो जो इस ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी वाइंडिंग कट चुका है, ठीक है, इसका सेकेंडरी ठीक है, मैं इस पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देखिए, 3 वायर है, मीटर पे गौर कीजिएगा, मैंने बीच वाले में लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लगाने से 9 आया, 8, 9,
थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, 8, 9, 4 इसके आसपास आ रहा है, 5 बिल्कुल इतना ही इधर भी आएगा। देखिए देखिए, तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे अच्छे से। सीधा जा दिए आपकी सेकेंडरी तरफ, रीडिंग काफी कम आएगा, 5, 10, 20, 25 इसी के आसपास आएगा, और प्राइमरी में लगभग 100 या उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।